तूफानों में भी कुछ चिराग जला करते हैं, कुछ ऐसे ही हौसले हम भी रखा करते हैं। सर का सौदा जब वतन से कर लिया है तो अपनी जेबों में कफन भी रखा करते हैं। सेना की वर्दी जो भी शख्स पहन लेता है फिर उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती। हर देशभक्त को सेना की वर्दी बहुत पसंद है, लेकिन एक बच्चे को तो ये वर्दी इतनी पसंद आई कि वर्दी पहनने के लिए वो बच्चा एक दिन फौज में भर्ती हो गया। इस फौजी का नाम है नायक विनोद कुमार। आज की तारीख में विनोद कुमार अपने गांव में 125 लोगों को रोजगार देकर सैनिकों की जरूरत का सामान बना रहे हैं। जब बातें होती थी घर में फौजियों के बारे में तो हमारे खानदान में पहले मेरे से पहले कोई फौज में नहीं था। अब वर्दी देख के अच्छा लगता था, लोग जब भी जवान से निकलते थे तो मन में था कि फौज में जाना है, लेकिन उतना उस जमाने में गाँव था या बिल्कुल इतना एडवांटेज कुछ नहीं था कि कुछ ज़्यादा पता लग सके हम लोगों को। जब मैंने हाई स्कूल किया तो भर्ती पता लगा तो फर्स्ट टाइम ही मैंने उस भर्ती को ट्राई किया था, यानी और फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हो गया। 1988 में 23 मार्च को मैंने फौज ज्वाइन की लंसडाउन गढ़वाला रेजिमेंटल सेंटर में और ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन विनोद कुमार का उद्देश्य सिर्फ फौज में भर्ती होना ही नहीं था, उनका लक्ष्य था कमांडो बनना। कमांडो बनने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। अक्टूबर 1991 में वे 9 पैरा फोर्स के लिए चुन लिए गए। यही वो लम्हा था जिसका विनोद कुमार को बेसब्री से इंतजार था। लंबे दिन का वहां का सिलेक्शन कोर्स होता है, प्रयोजन होता है, काफी टफ था। बहुत हार्ड एक्सरसाइज होती थी, 4-4 दिन पैदल चलना पड़ता था। यहाँ पे कई यानी इतना है वेट लेके टाइम भी क्लोज करना होता था और डिस्टेंस भी काफी होती थी, वो सब चीजें करनी पड़ती थी। भारतीय सेना की शानदार 15 साल सेवा करने के बाद 30 जून 2003 को विनोद कुमार सेना से सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के बाद विनोद कुमार खाली नहीं बैठना चाहते थे और उनके घर के हालात कुछ ऐसे थे कि वे अपने घर से दूर भी नहीं जा सकते थे। इसी जद्दोजहद में एक दिन विनोद कुमार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके जीवन को फिर से एक नया मकसद मिल गया। कहीं किसी शॉप से रक्षक बैग पिट्ठू बैग खरीदा था, लेकिन मैं उसको जब खरीद के और उसमें सामान भर के गेट से बाहर निकला, मेरे गेट पे आते ही वो टूट गया था। मेरे को महसूस हुआ यहाँ तो बहुत ही घटिया क्वालिटी की चीजें मिलती हैं। विनोद कुमार एक फौजी थे और उन्हें सैनिकों की दिक्कतों और जरूरतों का एहसास था। बाजार से जो माल सेना को सप्लाई किया जाता था उसमें कई ऐसी कमियां थी जो शायद एक आम आदमी नजरअंदाज कर दे, लेकिन इन खामियों ने विनोद कुमार को एक नया कारोबार शुरू करने की प्रेरणा दी। मैंने अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा दी। पहले मैंने इंडियन 4 मशीन्स लगाई, उसके बाद उसको दो करके मैं 14-15 तक ले गया। फर्स्ट टाइम जब मैंने विनोद आर्मी स्टोर के नाम से काम किया था, फर्स्ट कंसाइनमेंट मेरी 55,000 की मैंने परचेस की थी, जो मेरे को आर्मी से रिटायर्ड होते हुए 4 लाख रुपये मिला था उससे। उसके बाद मैंने सोचा ये काम कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए कैसे करना है, तो मैंने नाम सोचा मिलिट्री कमेंट इस फर्म का नाम किया और रजिस्टर्ड कराया उत्तराखंड सरकार में। और इस तरह शुरुआत हुई विनोद कुमार की कंपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की। विनोद कुमार ने ये कदम तो उठा लिया, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर उनका काम नहीं चला तो उनकी पूरी जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी। जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस समय ना तो मैं पैदल था, बाइक भी नहीं थी मेरे पास, और
अपने आप में टेंट में रहा हूं तब मैंने काम किया है। सत्ताईस अगस्त 2003 से मैंने यूनिट को देना शुरू किया और कर्नल संजय ठाकुर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और वो मेरे से सामान लेते गए। उसके बाद एक यूनिट करने के बाद मैं फिर NSG 51 SSG में एक्शन ग्रुप में गया। वहाँ पे कर्नल दीप सेन गुप्ता साहब थे, वो भी हमारे यूनिट्स के थे जो उसमें NSG 51 को कमांड कर रहे थे। उनके पास गया, मैंने कहा साहब मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ। उन्होंने बोला विनोद वेलकम है, उन्होंने जो उनकी ज़रूरतें थी अपने जवानों के लिए वो भी मेरे से उन्होंने ली। ऐसे तो फिर मैं आगरा गया पैरा ब्रिगेड में, वहाँ लोगों से मिला। वहाँ पे 6 पैरा रेजिमेंट में मैं गया, वहाँ पे कर्नल तिवारी साहब कमांड कर रहे थे, उन्होंने भी मेरे को प्रपोज किया, मेरे से सामान लिया। विनोद कुमार एक सर्विसमैन थे, इसलिए उन्होंने CO 9 पैरा SF को अपनी प्रोडक्ट की डिटेल और रेट भेजकर CST कैंटीन में अपने सामान की प्रदर्शनी लगाई। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगे? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव के 50% ज्यादा पोर्शन डैमेज वालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ। कभी नहीं, नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा और कोई आके पढ़ सके। हिजनून है, हिजनून है, तेरे इश्क का ये जुनून है, रग रग में इश्क तेरा दौड़ता। एक आवड़ा सा कौन है? सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार मेरा। सत्यमेव जयते, उत्साहित होकर विनोद कुमार ने दुगने जोश से काम शुरू कर दिया। उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें और कारीगरों की जरूरत पड़ी। ऐसे में विनोद कुमार ने अपने गांव के लोगों को, खास तौर पर महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग देकर कारीगर बनाया। मैंने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी भी लड़कियां हैं, मेरे पास लड़कियां काम कर रही हैं, उन सबको मैंने जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सिखाया। मैंने कहा सीखो, इसको करो, क्यों नहीं कर सकते आप लोग। हैवी ड्यूटी मशीन चलाने में लोग सतराती थी, ये लड़कियाँ क्यों नहीं चला सकती, और लड़के कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पायलट हैं तो हमारे से मशीन नहीं चल रही। तो इन लोगों को सपोर्ट दिया और इन्होंने आज अच्छा करने लगी, और आगे भी मेरा यही है कि मैं इसी लूट को और आगे ले आऊँ, और कम से कम यहाँ पे आने वाले 5 साल के अंदर 1000 आदमी काम करते हैं और अच्छे से अच्छे सप्लाई जवान को दे सकूँ। जो जवान की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, उसको कम कीमत में अच्छा सामान मिल सके, जो उसकी जरूरतें वो पूरी हो सके। विनोद कुमार ने लोन के लिए बैंकों में अप्लाई किया, लेकिन बैंक से कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने अपना मकान और अपनी जमीन बेचकर मशीन बेचने वाली कंपनी को शुरुआती भुगतान किया। मेरे को 2.5 साल पहले से बैंक ने सपोर्ट किया है, जो कि आज के डेट में मेरे पास करीब 50 लाख की केस क्रेडिट है SBI वाला से, और टर्म लोन मेरा 30 लाख का है। अभी तो ये विनोद कुमार के संघर्ष की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। उसके बाद फिर इंडियन मशीन्स होगी हैवी ड्यूटी, मैंने रिप्लेसमेंट शुरू किया है, क्योंकि क्रेज मार्केट में विदेशी मशीनों का था। कुछ लोगों को ये लगता था साहब लोगों को विदेशी मशीनों का बना हुआ सामान ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमने फिर उस पर
फोकस किया और मैंने फर्स्ट लॉट में 5 मशीनें परचेज की ब्रदर कंपनी की जैपनीज, और फिर 5 फिर 10 ऐसे करते करते आज 100 मशीन मेरे पास।